न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बड़े नगर परिषद चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने भी अपनी कमर कस ली है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते आज हम बात करेंगे रेवाड़ी के वार्ड नंबर 29 से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की। तो करीब 2800 मतदाताओं वाले इस वार्ड के अंदर सबसे पहले बात करेंगे, तीन मुख्य तौर पर कॉलोनी और मोहल्ले आते हैं जिसमें हजारीवास गांव के साथ साथ यादव नगर और राव चिरंजीलाल कॉलोनी शामिल हैं। 2800 मतदाताओं वाले इस वार्ड में अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब आधा दर्जन उम्मीदवार जो कि चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो तैयारियों में लग गए हैं। हालांकि इस वार्ड से अभी तक केवल दो ही उम्मीदवारों ने यहां से नामांकन प्रक्रिया पूरी की है, जबकि आगे अभी 16 तारीख यानी कि कल का दिन बाकी है। तो देखने वाली बात होगी कि कितने और लोग ऐसे हैं जो कि नामांकन प्रक्रिया करके और चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसी बीच बात करते हैं जो पिछले करीब 5 सालों से जनता की सेवा में जुड़ी इस वार्ड की समाज सेविका के तौर पर कार्य कर रही शकुंतला यादव की, जो कि लंबे समय से यहां से लोगों के बीच में रही है और काफी सारे काम इन्होंने जनता के बीच में रहकर कराए हैं। खासतौर पर बात करेंगे कि जिस बात पर केंद्र और राज्य सरकार जोर दे रही है कि पेड़ लगाओ देश बचाओ, उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए शकुंतला यादव ने यहाँ अनेक सारे घरों के अंदर यहाँ वृक्षारोपण कराया है और अब चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां उनकी हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगी, इसी को लेकर के बात करेंगे शकुंतला यादव से। शकुंतला यादव हमारे साथ न्यूज वॉइस में मौजूद है, क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी आम लोगों के लिए जिनको लेकर के आप आम जनता के बीच में जाएंगी? मेरा वार्ड मेरे परिवार की तरह रहा है और 5 साल से मैं वार्ड में कार्यरत हूँ। पहले पार्षद रहे और यहाँ से चेयरपर्सन भी रही हैं जो पूर्व पार्षद हैं, लेकिन यहाँ की 60% गलियाँ अभी कच्ची हैं, लाइट और सीवरेज की समस्या है, तो उनको लोगों के बीच जाके लोगों जैसे कि मैं कह रही हूँ मेरे परिवार की तरह रहा है वार्ड और लोग मेरे पास समस्या को लेके आए तो कुछ समस्याओं का समाधान भी हुआ और कुछ के लिए प्रयास जारी है। और इस चीज को देखते हुए लोगों ने कहा है कि मैडम आप इलेक्शन लड़िए और हम आपका सहयोग करेंगे, जिसके चलते मैंने कल 11 तारीख को नॉमिनेशन किया है और वार्ड की समस्याओं को लेकर ही मैं आगे जा रही हूँ कि हर घर तक लाइट पहुँचे, हर घर तक सड़क पहुँचे, मेरा वार्ड रेवाड़ी के सबसे अच्छे वार्डों में मेरे वार्ड की गिनती हो और मेरा वार्ड हरा भरा, तो जहां मैं कर ही रही हूँ 5 साल से प्रयासरत हूँ, वहीं मैं चाहती हूँ कि वार्ड रेवाड़ी में सबसे नंबर वन रहे। और इन्हीं समस्याओं को लेकर मैं जा रही हूँ कि जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं वो सभी की पूरी हूँ, चाहे वो मतदाता मेरे विरोध में हो या मेरे पक्ष में हो, हर मतदाता मेरा परिवार है, हर घर मेरा परिवार है। जी, सबसे पहले बात करेंगे, अभी आपने जिक्र किया कि मूलभूत सुविधाओं से आज भी ये वार्ड वंचित है, जिसमें मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ की काफी सारी गलियां जो आपने बताई कि अभी तक जिनका निर्माण कार्य नहीं हो सका है या जर्जर हाल में है, इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं हैं। विशेष बात जो देखने वाली इस वार्ड की है कि यहाँ से जो पहले प्रतिनिधित्व कर रही थी चेयरपर्सन शकुंतला यादव जो शकुंतला देवी, बावजूद इसके कि अभी तक मूलभूत सुविधाओं से जो वार्ड वंचित रहा उसको लेकर क्या कुछ योजना आगे की रहेंगी? जी, मेरी योजना रहेगी कि मैं यहाँ वार्ड में अभी हमने प्रयास किया तो सीवरेज डाले गए हैं, लेकिन अभी एम्बुलेंस भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सबसे पहले गलियों का निर्माण हो, हर घर तक उसकी हर वाहन जा सके ताकि मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण हो सके वार्ड। और मेरा प्रयास रहेगा कि हर घर में पानी लाइट किसी तरह की कोई समस्या ना रहे और वार्ड खुशहाल हो। गरीब आदमी जो हमारे यहाँ के लोग हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल ही निहायत ही गरीब हैं और उनके पीले राशन कार्ड नहीं बने हुए, उनको उनका हक दिलाया जाए और लोगों की सेवा में तत्पर रहूं। एक सबसे बड़ी बात जो इस वार्ड में देखी गई कि एक जोहड़ जो यहाँ पर है वो गंदगी का अंबार वहां पर लगा हुआ है और इसको लेकर के पहले भी कई बार लोगों ने आवाज भी उठाई, लेकिन सफाई के मामले में अगर देखा जाए तो एक तरह से गंदगी का आलम कई जगहों पर देखा गया है, तो अब तक आपने इस दिशा में क्या किया और आगे क्या कुछ योजना? सर, जहाँ जोहड़ का मामला है, ये 4-5 वार्डों के बीच नगर परिषद की सरकारी जमीन है और इसके लिए हम काफी समय से प्रयासरत रहे और लोगों के सहयोग से वहां पर जो कचरा इकट्ठा होता था उसको हमने साफ करवाया। लोगों के प्रयास से नगर परिषद ने हमारी आवाज को सुना
और वहां से कचरा प्रबंधन मतलब हट गया है। अभी डोर टू डोर गाड़ियां आ रही हैं और कूड़ा लेके जा रही हैं, तो वहां से कचरा हट गया। लेकिन हमारा मुख्य मोटिव यही है चुनाव में उतरने का कि ये जो चार पांच वार्डों के बीच में नगर परिषद की जगह है, यहाँ पर एक भव्य पार्क हो ताकि चारों पांचों वार्ड इसका लाभ उठा सके। क्योंकि हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनके बैठने के लिए सुबह शाम ना तो कोई जगह है, तो अगर यहाँ पार्क का निर्माण हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि मैं अगर यहाँ से वार्ड पार्षद बनती हूँ तो इस मुद्दे को आगे तक लेके जाऊं और इस यहाँ पे पार्क का निर्माण करवाऊं फर्स्ट कलम से। एक शकुंतला जी, सबसे बड़ी बात जो देखने में आई कि यहाँ पर जिस तरीके से पार्क के लिए एक मंजूरी भी नगर परिषद द्वारा दी गई, उसके बावजूद भी कचरा पड़ता रहा और आज तक निर्माण कार्य शुरू जो नहीं हो सका, क्या आखिर बड़ी वजह रही कि इतने प्रयासों के बावजूद भी ये योजना सिरे नहीं चल पाई? सर, यहाँ जो पूर्व पार्षद रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये कमी रही है कि उन्होंने जनता की आवाज को ना उठाकर प्रशासन का सहयोग किया है। जबकि एक पार्षद का, एक प्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है कि वो जनता की आवाज उठाए। और यहाँ की सब मतलब पांचों वार्डों की जो जनता है, चारों पांचों वार्डों की, मेरे वार्ड की ही नहीं, चाहती है कि यहाँ एक भव्य पार्क का निर्माण हो जो सरकारी जमीन है उसमें, ताकि यहाँ के बच्चे खेलने के लिए जगह बच्चों को मिल सके और यहाँ के लोगों को बैठने के लिए सुबह शाम सैर के लिए जगह मिल सके और बुजुर्ग मतलब आराम से बैठ सके धूप का। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि घरों के मतलब बड़े बड़े निर्माण की वजह से घरों में धूप भी नहीं आती, तो बड़े बुजुर्ग दोपहर के समय सर्दियों में धूप वगैरह में बैठ सके। एक अहम बात यह है कि इतने सारे मतदाता जो सॉरी उम्मीदवार जो अभी मैदान में हैं और आप पहली बार जिस तरीके से चुनाव मैदान में आ रही हैं, हालांकि नामांकन प्रक्रिया आपने ही की है, अभी एक दिन और का वक्त बाकी है, तो ऐसे में और भी उम्मीदवार जो आएंगे, मुकाबले की अगर बात की जाए तो किस तरह से इतने जो उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला कर पाएंगे? सर, मेरा ये मुकाबला कोई मेरा मुकाबला नहीं है। मैं शुरू से ही समाज सेवा में प्रयासरत रही हूं और चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो मैं हमेशा ही प्रयासरत रहूंगी और इसी उम्मीद को लेके। और मैं जैसा कि कह रही हूं कि वार्डवासी मेरा परिवार है, तो शुरू से ही ये मेरा चुनाव नहीं है, ये मेरे वार्डवासियों का चुनाव है कि मैडम आप मैदान में उतरो और हम आपका सहयोग करेंगे। क्योंकि इलेक्शन टाइम में तो हर कोई आगे आ जाता है, हर कोई जनप्रतिनिधि बनने को तैयार है, लेकिन मैं शुरू से ही लगातार 5 साल से प्रयासरत हूँ समाज सेवा में। मैं हर घर तक, हर आदमी तक पहुंची हुई हूँ और मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले हैं। आज भी मैं समस्याओं का समाधान कर रही हूँ। जनप्रतिनिधि तो एक मोहर है उनकी मुहिम को आगे ले जाने की। तो ये थी शकुंतला यादव जो कि वार्ड नंबर 29 से चुनाव मैदान में उतर आई हैं और नामांकन प्रक्रिया भी इन्होंने पूरी कर दी है। अभी आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि 2800 मतदाताओं वाले इस वार्ड में अभी तक पिछले 5 सालों के दौरान क्या कुछ इन्होंने कराया और आगे के लिए क्या कुछ योजना रहेगी। खासतौर पर इन्होंने बताया कि जो वार्ड की सफाई की समस्या है, गलियों की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, उन सभी का निराकरण कराने में इन्होंने पहले भी अहम भूमिका निभाई है बिना ही किसी प्रतिनिधित्व हुए और आगे भी करती रहेंगी। अब देखना होगा कि अपनी बातों पर कितना खरा उतर पाती है। रेवाड़ी से न्यूज़ 22 के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अतिरिक्त।